ये कहानी है स्टूडेंट्स के एक ऐसे ग्रुप की जो एक मांस खाने वाले बच्चे को अपने घर ले आते हैं और उसे बहुत बुरी तरह टॉर्चर करते हैं। मगर उनके द्वारा उस बच्चे को दिए जाने वाला टॉर्चर उनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाला था, ये शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। कहानी की शुरुआत में हम लिन को देखते हैं, जिसे स्कूल के बच्चे चोर चोर कहकर बुला रहे थे। लिन स्कूल के बच्चों को समझाने की कोशिश करता है कि उसने स्कूल के पैसे नहीं चुराए, मगर वो लोग उसकी जरा भी नहीं सुनते और उसे दोबारा से चोर चोर कहकर बुलाने लगते हैं। रेनहाओ, जो क्लास में आने वाले नए बच्चों को बुली किया करता था, वो टीचर के सामने लिन को चोर कहकर उसकी बेइज्जती करता है और उसका खूब मजाक उड़ाता है। लिन को पता था कि पैसे रेनहाओ ने चुराए हैं, इसलिए क्लास खत्म होने के बाद वो रेनहाओ के पास जाता है और उससे कहता है, मुझे पता है कि पैसे तुमने चुराए हैं, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम सबको सच बता दो। ऐसा कहकर लिन उसे धमकाता है और उससे पैसों के बारे में पूछता है, लेकिन सिहुआ लिन के हाथ को अपने चेस्ट पर रख लेती है और बीचू उसकी फोटो खींच लेता है। रेनहाओ लिन को धमकाते हुए कहता है, तुम अच्छे से जानते हो कि पैसे मैंने चुराए हैं, लेकिन अगर ये बात तुमने किसी और को बताने की कोशिश की तो मैं ये फोटो अपलोड कर दूंगा और उसके बाद जो कुछ भी तुम्हारे साथ होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। लेकिन लिन, जिसने ये सब रिकॉर्ड कर लिया था, वो अपनी टीचर ली के पास जाकर उसे वो रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें रेनहाओ ने अपनी चोरी की बात कबूली थी। ली उससे कहती है कि तुम एक रिकॉर्डिंग के जरिए खुद को निर्दोष साबित नहीं कर सकते। ली नहीं चाहती थी कि स्कूल के बच्चे उसे चोर चोर कहकर बुलाएं, इसलिए वो क्लास में आकर बच्चों से कहती है। लिन अपनी इस चोरी के लिए बहुत शर्मिंदा है और अब वो समाज सेवा करके अपनी इस गलती को सुधारना चाहता है। ली चाहती थी कि रेनहाओ और उसके बाकी दोस्त लिन को परेशान करना बंद कर दें, इसलिए वो उन्हें भी समाज सेवा करने के लिए लिन के साथ भेज देती है। रेनहाओ लिन को लेकर एक होटल में आ जाता है जहां पर सिर्फ बूढ़े लोग रहा करते थे। रेनहाओ उसे बताता है कि ये लोग बूढ़े होने से पहले मरना चाहते हैं, इसलिए ये लोग यहां पर हैं। ऐसा कहकर वो बूढ़े लोगों का मजाक उड़ाता है और उन्हें खूब बुली करता है। क्योंकि अब शाम होने वाली थी, इसलिए वो लोग साफ सफाई करने के लिए फेंग के कमरे में आ जाते हैं, जहां उन्हें एक बड़ा सा बॉक्स मिलता है जो कि जंजीरों से बंधा हुआ था। उन्हें लग रहा था कि इस बॉक्स के अंदर जरूर सोना होगा, इसलिए वो लोग उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करते हैं। मगर क्योंकि चाबी के बिना उस बॉक्स को खोल पाना नामुमकिन था, इसलिए वो लोग फेंग को परेशान करते हैं और उससे चाबी के बारे में पूछते हैं। मगर क्योंकि फेंग अब डिमेंशिया का शिकार हो चुका था, इसलिए वो उन्हें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। वो लोग उसकी इस बीमारी का फायदा उठाते हैं और बक्से को चुरा लेते हैं। बक्से को चुराने के बाद वो लोग होटल से बाहर जाने लगते हैं, लेकिन तभी उनकी नजर दो घाउल्स पर जाती है जो किसी इंसान को नोच नोच कर खा रहे थे। ये सब देखने के बाद वो लोग काफी डर जाते हैं और अपनी जान बचाकर वहां से बाहर भागने लगते हैं, लेकिन वो घाउल उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी वहां पर एक गाड़ी आ जाती है और उस घाउल को ठोकर मारकर वहां से चली जाती है। उन्हें लग रहा था कि वो बच्चा मर चुका है, इसलिए वो लोग उस बच्चे को चेक करने के लिए उसके पास जाते हैं। मगर वो बच्चा उन लोगों पर हमला करके उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन रेनहाओ उस पर एक फावड़े से हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। वो लोग बच्चे को वहीं पर छोड़कर जाने की सोचते हैं, मगर रेनहाओ उन्हें ऐसा करने से रोक लेता है क्योंकि सड़क के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। रेनहाओ नहीं चाहता था कि पुलिस को इस बारे में पता चले, इसलिए वो बच्चे को लेकर अपने घर आ जाता है। उन्हें लग रहा था कि वो बच्चा मर चुका है, इसलिए वो लोग उस बच्चे को दफनाने की सोचते हैं, लेकिन तभी उस बच्चे में हलचल होने लगती है और वो दोबारा से जिंदा हो जाता है। वो बच्चा उन लोगों को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन सूरज की रोशनी पड़ते ही वो जल जाता है और डर के मारे उनसे दूर भागने लगता है। वो लोग उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाते हैं और उसे एक बक्से में बंद कर देते हैं। अब हम घाउल की बड़ी बहन को देखते हैं जो कि रो रही थी, क्योंकि घाउल की छोटी बहन अभी तक वापस नहीं आई थी, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। अब हम रेनहाओ को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड सिहुआ को उस घाउल के बारे में बताता है। यही नहीं, वो उस घाउल के सामने अपना खून भी टपकाता है, जिसके चलते वो घाउल उत्तेजित हो जाता है, लेकिन वो लोग उसे सूरज की रोशनी दिखाकर उसे शांत कर देते हैं। रेनहाओ को लग रहा
रहा था कि इस बच्चे के सेल्स वापस रीजनरेट हो सकते हैं, इसलिए वो उस बच्चे को टॉर्चर करके उसके सारे दांत निकाल लेता है। लिन नहीं चाहता था कि वो लोग उस बच्चे को और टॉर्चर करें, इसलिए वो घर आकर मिसिंग लोगों की लिस्ट चेक करता है, जहाँ पर उसे घाउल से मिलती जुलती एक लड़की की तस्वीर मिलती है। जब वो उस लड़की के बारे में और सर्च करता है, तब उसे पता चलता है कि उस लड़की का नाम लिंसू है और उसकी एक बड़ी बहन भी है। यही नहीं, एक बूढ़ू मास्टर जो पैसों के लिए लोगों को मारा करता था, उसने मरने से पहले इन दोनों बहनों पर जादू किया था और तब से ये दोनों बहनें गायब हैं और आज तक किसी को भी नहीं मिली। लिन को लग रहा था कि ये सब सुनने के बाद वो लोग उस बच्चे को छोड़ देंगे, मगर जैसा उसने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। उल्टा ये सब सुनने के बाद वो लोग उसे और टॉर्चर करते हैं। अगले दिन जब लिन स्कूल में आता है, तब एक स्टूडेंट जिसका नाम लुइस था, वो लिन को चेयर से गिरा देता है और उस पर खूब हंसता है। लेकिन रेनहाओ को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो लुइस को बहुत मारता है। ली को लग रहा था कि रेनहाओ बदल चुका है, इसलिए वो रेनहाओ को स्पिरिचुअल गाइडेंस देती है, लेकिन रेनहाओ उसकी इस गाइडेंस को बेकार बताकर उसकी बेइज्जती करता है, जिसके चलते ली को रेनहाओ पर गुस्सा आ जाता है और वो उसे थप्पड़ ही थप्पड़ मारती है। रेनहाओ अपनी ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो अपनी टीचर ली को मारने का प्लान बनाता है। अगले दिन जब रेनहाओ स्कूल में आता है, तब वो ली की बोतल जिसमें से वो पानी पिया करती थी उसमें घाउल का खून मिक्स कर देता है। ली उस पानी को पीकर क्लास लेने चली जाती है, लेकिन कुछ देर बाद ली की तबीयत खराब होने लगती है। ली की तबीयत खराब देख रेनहाओ उसके पास आता है और उससे कहता है, बुद्धा इज माई बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। ये सुनते ही ली समझ जाती है कि ये सब रेनहाओ ने किया है, मगर इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती वो जलकर राख हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ जब घाउल की बड़ी बहन को इस मिस्टीरियस डेथ के बारे में पता चलता है, तब वो अपनी बहन को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। घाउल अपनी बहन को ढूंढते हुए एक स्कूल बस में चढ़ जाती है और बस ड्राइवर को मार कर स्कूल के बच्चों से अपनी बहन के बारे में पूछती है, मगर वो लोग उसके सवालों का कोई भी जवाब नहीं देते, जिसके चलते घाउल को स्कूल के बच्चों पर गुस्सा आ जाता है और वो बस में मौजूद सभी बच्चों को मार डालती है। जब रेनहाओ को इस बात का पता चलता है कि घाउल ने उसकी गर्लफ्रेंड सिहुआ को मार दिया है, तब वो पूरी तरह से टूट जाता है और उस घाउल को मारने का प्लान बनाता है। अगले दिन वो लोग घाउल के खून से दीवारों पर निशान बनाते हैं और उसे लेकर बेसमेंट तक आ जाते हैं, जहाँ पर उन्होंने घाउल को बांध कर रखा हुआ था, ताकि जब उसकी बहन उसे बचाने आए तब वो लोग उन दोनों को जलाकर मार सकें। अब हम घाउल को देखते हैं जो खून को सूंघते हुए वहाँ पर पहुँच चुकी थी। लिन जानता था कि घाउल को मारने के बाद वो लोग उसे भी मार डालेंगे, इसलिए वो जानबूझकर बीजू के पास कॉल करता है और जल्दी से दौड़कर दरवाजा बंद कर लेता है। आवाज का पीछा करते हुए घाउल बीजू के पास आ जाती है और उस पर हमला करके उसे मार डालती है। रेनहाओ और फेंग दोनों लिन को दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं, लेकिन लिन दरवाजा नहीं खोलता, जिसके बाद घाउल उन दोनों पर हमला करके उन्हें भी मार डालती है। अपनी जान बचाने के लिए लिन छोटी घाउल के पास आ जाता है और बड़ी घाउल से कहता है, मैंने तुम्हारी बहन को खून पिलाया है और अभी तक वो जिंदा है तो वो सिर्फ मेरी वजह से। लेकिन हम देखते हैं कि बड़ी घाउल जो बहुत ज्यादा गुस्से में थी, वो लिन की जरा भी नहीं सुनती और उसे बहुत बुरी तरह मारती है। घाउल लिन को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी लिन की नजर अपने मोबाइल पर जाती है जिसमें सूर्योदय का समय हो चुका था। इससे पहले कि वो घाउल उसे मार डाले, वो रास्ता जो उसने घाउल के भागने के लिए छोड़ा था वो उस रास्ते को खोल देता है और उस रास्ते से आने वाली सूरज की किरणें सीधा घाउल के शरीर पर जा गिरती हैं, जिसके चलते घाउल का शरीर जलने लगता है। अपनी बहन को जलता देख घाउल उससे जाकर लिपट जाती है और उसे बचाने की कोशिश करती है, मगर कुछ देर बाद वो दोनों जलकर राख हो जाते हैं। उन दोनों के मरने के बाद लिन बेसमेंट से बाहर आ जाता है। लिन नहीं चाहता था कि जो कुछ उसके साथ हुआ वो किसी और बच्चे के साथ हो, इसलिए वो बुली करने वाले बच्चों के खाने में घाउल का खून मिला देता है और उन्हें भी मार डालता है, क्योंकि लिन के जीने की इच्छा अब खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो भी घाउल के खून को पी लेता है और खुद भी जलकर राख हो जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।